Hello everyone, a very good afternoon to all of you. So how are you all? I hope that each and every one of you is very fine. Sabhi students bahut 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 acche hain. So let's start our session today. Aaj ka session hum start kar rahe hain. And in today's session, we will be learning a lot of concepts. We will be solving a lot of new pattern error detection questions. Aaj ki class mein hum bahut sare questions padhne wale hain. So are you ready for today's class? I hope yes. Each and every student is ready for today's class. And let's start our session today. Aaj ka session start karte hain. This is our Unacademy Studios Vault team. यह हमारी पूरी की पूरी टीम है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं. हम पार्ट आगे पहुंच चुके हैं. हम टॉप न्यू पैटर्न 500 एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस कर रहे हैं. वी आर ऑन आर नेक्स्ट पार्ट टुडे. 4 बजे हमारा द हिंदू एडिटोरियल का सेशन होता है, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. हर बच्चे के लिए ये सेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. हम YouTube पे मिलते हैं. हम 1 बजे YouTube पे मिलते हैं जब हम बहुत सारे न्यू पैटर्न एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस करते हैं. हम रात को 8 बजे YouTube पे मिलते हैं जब हम वोकैबुलरी स्कूल में टॉप 200 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं. आई होप सभी बच्चे इन दोनों क्लासेस में एकदम रेगुलरली आते हैं. इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स हमारे अनअकैडमी पर हैं. दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. यू शुड डेफिनेटली फॉलो दिस प्रोफाइल. इस प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए जिससे कि मेरी कोई भी क्लास होती है आप सभी बच्चों के पास उस क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए. अनअकैडमी एज यू ऑल नो इट्स अ वंडरफुल एप्लीकेशन. बहुत बहुत अच्छी एप्लीकेशन है. एकदम सही चीज़ है. अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन अनअकैडमी हेल्प्स यू कम्प्लीटली फॉर दैट. अनअकैडमी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती है. आपको अपना गोल यहाँ सेलेक्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ बैंक एग्जाम्स इज योर गोल दैन यू शुड क्लिक ओवर योर. बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अनअकैडमी प्लस के. एक इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा आई बी पी एस पी ओ मेन्स का बैच स्टार्ट हो चुका है. मेरा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का बैच स्टार्ट हो चुका है. आई बी पी एस क्लर्क का बैच स्टार्ट हो चुका है. अगर आप स्टूडेंट्स ने अभी तक इन बैचेस में एनरोल नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है पी ओ के मेन्स के एग्ज़ाम में या क्लर्क के एग्ज़ाम में या डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के एग्ज़ाम में. वी डू नॉट हैव मच टाइम लेफ्ट. मेरे पास बहुत सारा टाइम नहीं बचा हुआ है. सो एनरोल फॉर इट. सभी बच्चे एनरोल कर लेंगे. एंड सब्सक्रिप्शन का प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं. बहुत बहुत इकोनॉमिकल है. जितनी एक सब्जेक्ट की कॉस्ट भी नहीं होती है उतनी सी कॉस्ट में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं. आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है. मतलब इससे इकोनॉमिकल कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है. और एक फ़ायदा और है. वो फ़ायदा क्या है? इफ़ यू अप्लाई दिस कोड, अगर आप इस कोड को अप्लाई करते हैं, व्हाट इज़ द कोड? NBLIFE. इफ़ यू अप्लाई दिस कोड NBLIFE, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो. आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा NBLIFE लगाने के बाद. सो NBLIFE लगाइए, 10% डिस्काउंट भी आप सभी को मिल जाएगा. यू विल गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड NBLIFE. सो दिस इज़ माई कोड. आई होप जितने ही बच्चों ने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दे विल टेक इट डेफिनेटली. बहुत बहुत जल्दी से बहुत डेफिनेटली ले लेंगे उस सब्सक्रिप्शन को एंड दे विल यूज़ दिस कोड NBLIFE टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑल्सो. चले सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले हर बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच सके, बहुत सारी जगह पहुंच सके, हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके. और जैसे जैसे आप शेयर करते जाएंगे आप बताते भी जाइएगा कि आपने शेयर किया है. यस, आई एम वेटिंग फॉर 10 to 15 सेकेंड्स सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन शेयर दिस वीडियो. आई होप सभी बच्चों ने वीडियो को शेयर कर दिया है. जल्दी से भागते हुए जाइए रॉकेट स्पीड से, शेयर करके जल्दी से वापस आ जाइए. कर दिया है, चलिए. सो लेट अस मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं. कल की क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया था. कल की क्लास में इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लिया था. आज 101 क्वेश्चन करेंगे. श्री गणेश, हमारा 101 नंबर से शुरू हो रहा है. वाह, कितनी अच्छी चीज़ है. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे देंगे. हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइमर दूंगी. आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे किस किस पार्ट में एरर है, विच पार्ट्स हैव एन एरर. तो ये रहा टाइमर सभी बच्चों के लिए इस क्वेश्चन का. ट्राई इट एवरी वन.
चलिए द टाइम इज अप, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर देखते हैं क्या होगा. द इनटॉलरेंस डिबेट, जो इनटॉलरेंस डिबेट थी, माइट नाउ बी रीचिंग अ टिपिंग पॉइंट. टिपिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, छोटी 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 चीज़ एक्यूमुलेट करके जब बहुत बड़ी हो जाती हैं, एक ऐसे पॉइंट पर रीच कर जाती हैं, उसे हम बोलते हैं टिपिंग पॉइंट. इनटॉलरेंस डिबेट, इज दिस फ्रेज करेक्ट, क्या ये फ्रेज सही है, ये भी एक नाउन है. कैन आई से इनटॉलरेंस भी एक नाउन है. दो नाउन्स एक साथ कैसे आ सकते हैं, या तो अपोस्ट्रोफी एस लगाओ या फिर नाउन के बारे में जो बताता है वो वर्ड तो एडजेक्टिव होता है. तो इनटॉलरेंस डिबेट क्या होता है, द डिबेट ऑन इनटॉलरेंस होना चाहिए था. द डिबेट ऑन इनटॉलरेंस होना चाहिए था, इसका मतलब ए तो गलत है, ए इज रॉन्ग. चलिए अगला देखते हैं. दिस इज माई वे, ये मेरा वे है ऑफ कोपिंग अंडर एंड कीपिंग पेस विद द करेंट न्यू नॉर्मल इन द वर्ल्ड. ये मेरा वे है कोपिंग अंडर. क्या कोपिंग अंडर कोई फ्रेजल वर्ब होती है, वी कोप अप या वी कोप विद समथिंग, वी डू नॉट कोप अंडर समथिंग. इसका मतलब ये कोपिंग अंडर भी गलत है. बी इज ऑल्सो रॉन्ग. सी देखते हैं. इट इज़ दिस डिस्टिंक्शन, ये वही डिस्टिंक्शन है, दैट इज़ द की. ये डिस्टिंक्शन है जो मेन चीज़ है, जो की है, हाउ सक्सेसफुली वी इवॉल्व, कितनी सक्सेसफुली हम इवॉल्व करते हैं, कितनी सक्सेसफुली हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं और हम उन चेंजेस को अडेप्ट करते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं. कोई बात नहीं, एकदम सही है, कोई भी एरर मुझे इस क्वेश्चन में नहीं मिला है. अगला देखते हैं. दे अपीयर टू बी अफ्रेड, ऐसा लगता है कि वो अफ्रेड हैं टू स्टेप डाउन, कि वो अपने ओलंपियन हाइट से, जिन हाइट से वो पहुँच चुके हैं उनसे नीचे आए, उसे नीचे आने में उनको डर लगता है. लेस्ट दे बी सीन एज लेसर मॉर्टल्स, या तो उनको मॉर्टल्स मत मानो. लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, अदरवाइज. व्हाट डू यू मीन बाई लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, अदरवाइज. अदरवाइज अगर वो नीचे आ गए तो उनको क्या देखा जाएगा, उनको कम क्वालिटी का मॉर्टल माना जाएगा. मॉर्टल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ह्यूमन है. एकदम सही है. तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों में एरर्स हैं. आई होप बहुत सारे बच्चों का ये आंसर एकदम सही निकला होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये रहा टाइमर आपकी स्क्रीन पे. चलिए द टाइम इज अप, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन को देखते हैं. सोशल मीडिया एंड टीवी, सोशल मीडिया और टीवी हैव फर्दर ब्रॉट इट लिटरली, उसने इसको लेके आए हैं लिटरली हमारे लिविंग स्पेस में. सोशल मीडिया और टीवी हमारे इस चीज़ को लिविंग स्पेस में भी ले आया है. कोई भी एरर नहीं है, एकदम सही है. सेकेंड वाला देखते हैं. मैनी स्कूल्स, अब बहुत सारे स्कूल्स रेगुलर प्रैक्टिस, कहने से रेगुलर नहीं आएगा, रेगुलरली आएगा. मैनी स्कूल्स रेगुलरली, और एक वर्ब यूज़ हो रही है, कहने से यहाँ पे प्रैक्टिस की स्पेलिंग भी एस ई होगा. पी आर ए सी टी आई सी ई, दैट इज़ अ नाउन. आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ पता है कि ये एक नाउन होता है और ये जो है एक वर्ब होता है. This is a verb, this is a noun. That means second वाला तो गलत है. Second वाले में हमें दो errors मिल चुके हैं. Regularly practice, this is wrong. Third वाला देखते हैं. Seminar spread over 2.5 eventful days. Brimmed का meaning होता है full, full of youthful energy and awe. Awe का meaning होता है respect for our armed forces. Can I say seminar spread over या the seminar spread over? Article ही नहीं लिखा हुआ भाई, noun है और article ही नहीं है the seminar. इसका मतलब सी भी गलत है.
चले ठीक है, इंटरेस्ट वॉज केप्ट अलाइव, इंटरेस्ट को जिंदा रखा बाय लेवरेजिंग फॉर्मेट। हमने क्या किया, पॉपुलर टीवी डिबेटिंग प्रोग्राम्स का फॉर्मेट हमने यूज़ किया और उससे लोग इंटरेस्टेड रहे। सही है, इसका मतलब बी एंड सी आर एरोनियस, ऑप्शन नंबर सी हैज़ एन एरर। किस में एरर है, ऑप्शन नंबर सी में हमारे एरर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन और ये रहा टाइमर। ओके सो द टाइम इज अप, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को देखते हैं और एरर फाइंड आउट करते हैं। वी होप दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम होप करते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस मॉडल को फॉलो करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे ऐसे कुछ इवेंट्स। और कोई भी एरर नहीं है, ए इज करेक्ट। चलिए लेट्स लुक एट द बी वन, वाइल वेरी फ्यू मे डॉन द यूनिफॉर्म, बहुत सारे बहुत कम होंगे जो इस यूनिफॉर्म को डॉन करेंगे, इस यूनिफॉर्म को ओवरपावर करेंगे, येट ऑल ऑफ देम मस्ट बी द सिटीजन्स, सारे के सारे एक ऐसे सिटीजन्स होने चाहिए दैट अ सोल्जर इज प्राउड विद, प्राउड विद, प्राउड का कभी विद लगता, प्राउड ऑफ होता भाई, प्राउड विद फाइट एंड डाई फॉर, कोई लिंक ही नहीं बन रहा, बी इज इनकरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, विजिट्स टू म्यूजियम्स एंड फॉरवर्ड एरियाज कुड ऑग्यूमेंट, ऑग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज कर सकता है। कैन आई से द विजिट्स टू म्यूजियम्स, क्योंकि हम पर्टिकुलर विजिट्स की बात कर रहे हैं, कहाँ की विजिट्स, म्यूजियम्स की विजिट, द विजिट्स टू म्यूजियम्स एंड फॉरवर्ड एरियाज कैन ऑग्यूमेंट एंड कॉन्टेक्चुलाइज एजुकेशन, गलत हो गया, डिस्पाइट पीएम्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, मतलब पीएम के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी अटेंडेंस ऑफ ओपिनियन मेकर्स जो है वो डिसअपॉइंटमेंट था, रिफ्लेक्टिंग पार्लियामेंट्री ट्रेंड, पार्लियामेंट्री ट्रेंड क्या है कि वो लोग अटेंड ही नहीं करते हैं उस चीज़ों को, तो डी तो एकदम सही है, तो बी और सी एरोनियस है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बी एंड सी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड दिस इज द टाइमर फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए द टाइम इज अप, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें एरर है। आई एम नॉट सजेस्ट, गलत है भाई, सजेस्टिंग आएगा। इमेंसिपेशन का मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम, ऐसा नहीं है कि अगर टेकीला कोई वेमेन लेती है तो वो शो कर दे कि वो फ्री है। एडमिट नॉट ऑल वेमेन, एडमिट भाई पूरे पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहते हैं, पता एडवर्ब आएगा, वर्ब कैसे आ जाएगा, एडवर्ब विल कब हियर, एडमिटेडली नॉट ऑल वेमेन अक्रॉस इंडिया आर एट द सेम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग एंड थिंकिंग, हर वेमेन सेम लेवल पर नहीं है, ये भी गलत है, सी पढ़ते हैं। एट द कोर ऑफ दिस, इसका जो मेन सेंटर है वो क्या है, ऑन गोइंग एफर्ट इज द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वेमेन, एकदम सही है। अभी भी बहुत बड़ा गैप है मेन और वेमेन की अर्निंग्स में सेम जॉब्स में, ये भी सही है, इसका मतलब कौन कौन से दो गलत हैं,
ए एंड बी आर इनकरेक्ट, ए और बी जो हैं हमारे इनकरेक्ट हैं। आई होप आप लोगों के आंसर्स आज एकदम ठीक निकल रहे हैं, किसी बच्चे के आंसर्स गलत नहीं निकल रहे हैं। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एंड दिस इज द टाइमर फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए इसके ऑप्शंस मत देखिएगा, टेल मी विच ऑफ देम आर रॉन्ग, डोंट लुक एट द ऑप्शंस हियर एंड टेल मी इनमें से कौन कौन सा गलत है। चल एक बार देखते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एरर्स, कोशिश करते हैं एरर्स को हम फाइंड आउट कर लें। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कैजुअल एंड हाईली स्किल्ड जॉब्स इज स्टिल जेंडर स्क्यूड। जेंडर स्क्यूड का मीनिंग क्या है? एक जेंडर की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इज लिखा हुआ है एकदम सही है, ए वाला जो है हमारा एकदम सही है। चलिए बी को देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कहने से यहाँ पे आर नहीं आएगा। याद करो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर टू, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नंबर टू क्या कहता है? व्हेनेवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड और, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट्स होते हैं और वो किस वर्ड से कनेक्टेड होते हैं, वो और से कनेक्टेड होते हैं, तो जो वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ओनरशिप के अकॉर्डिंग आएगी। तो कहना इसे इज स्टिल अ डार्क एरिया फॉर वुमेन आएगा, इसका मतलब बी भी गलत है, क्योंकि ओनरशिप की बात हो रही है, ओनरशिप तो अनकाउंटेबल है, तो आप आर कैसे लगा दोगे? बी इज रॉन्ग। चलिए सी ट्राई करते हैं, मीन वाइल स्टेप बाय स्टेप द ब्रेव अमंगस्ट, हमारे बीच में से ना, तो अमंग वी आ जाएगा, अमंगस्ट अस हम सभी के बीच में से, हमने पढ़ा भी है कि प्रपोजिशन के बाद, कहने से अमंगस्ट जो है एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है, इसका मतलब वी नहीं आएगा, अस आएगा। सी भी गलत हो गया, डी चेक करते हैं, ईच स्मॉल स्टेप, हर वो छोटा स्टेप जो सिग्निफाई करता है एक विमेन की इंडिपेंडेंट नर्चरिंग स्पेस, एक विमेन का, कहने से वुमेन्स आएगा, ऑब्वियसली ये एक नाउन है, नाउन का स्पेस, नाउन का नाउन क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, मतलब डी वाला भी गलत हो गया, इसका मतलब कौन कौन से तीन गलत हो चुके हैं, बी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग, एरर इन तीनों पार्ट में है। आई होप सभी बच्चों को चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई हैं। आज हमने आज पांच क्वेश्चंस किए, पांच क्वेश्चंस नहीं थे, इनफैक्ट एक तरह से ये 20 क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में चार सेंटेंसेस थे और हर सेंटेंस में हमने एरर आइडेंटिफाई किया है, तो इतनी सारी हमने एरर्स आज डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एरर रिडक्शन को लेके वो आसान बन रहे हैं। चलिए सो वी आर एंडिंग अ सेशन नाउ, आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिस भी बच्चे ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, टेक द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यूज़ दिस कोड NBLIF, इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, कोड क्या है NBLIF, एंड यू विल अवेल 10% डिस्काउंट, सभी बच्चों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड को लगाओगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हुए। तीन सेंटेंस से सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई विल डेफिनेटली गेट माई ड्रीम जॉब। थैंक यू एवरी वन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा।